नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं आज करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2020 को लेकर के आया हूं। और आइए अब देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, नासा द्वारा तैयार किए गए उस नेकलेस का क्या नाम है जो हाथ से नाक या आंख छूने पर बिजली का झटका देता है, या बिजली की तरह झटका देता है, या इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये करंट लगता है, तो उस नेकलेस का क्या नाम है? ऑप्शन ए है पल्स, ऑप्शन बी है नर्व, ऑप्शन सी है बीट, ऑप्शन डी है रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्स, उसका नाम है पल्स, उस नेकलेस का नाम क्या है? पल्स। अब नासा वांट्स टू हेल्प स्टॉप स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, इन डूइंग सो द स्पेस एजेंसी हैज क्रिएटेड ए वियरेबल आइटम कॉल्ड पल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम भारतीय खेल प्राधिकरण किसके साथ मिलकर शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो किसके साथ मिलकर शुरू किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खेल महासंघ, ऑप्शन बी है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, सी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और तीसरा है चौथा है डी NIC। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल महासंघ। राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिल करके जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिल करके खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और शिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का क्या नाम है जिसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है? पहली कोरोना वायरस वैक्सीन जिसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन डी है कोवाडेक्स, ऑप्शन सी है सेरोडेक्स, ऑप्शन डी है कोवामाई। इसका आंसर होगा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है भारत द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किया गया एक वैक्सीन है जिसका कि ट्रायल शुरू हो चुका है। और ये वैक्सीन जो है भारत बायोटेक इंडिया जो है इस पर जो है ह्यूमन ट्रायल शुरू करेगा। इसी के द्वारा ये ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। भारत बायोटेक इंडिया के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। एंथ्रेक्स क्या है? अभी हाल में एंथ्रेक्स की चर्चा रही है, चूंकि जिम कार्बेट और वाल्मीकि अभयारण्य, इन दोनों अभयारण्यों में हम देखे हैं कि कुछ गेंडे और कुछ अन्य जीव जंतुओं की मृत्यु हुई है। ये जंतुओं में ही फैलता है, तो इनकी मृत्यु हो गई है, ये मृत्यु जो है एंथ्रेक्स के द्वारा हुई है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि एंथ्रेक्स क्या है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन बी वायरस के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया है। एंथ्रेक्स क्या है? बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये स्पष्ट है कि जो एंथ्रेक्स वो क्या है, वो बैक्टीरिया है। और कहाँ ये फोर फॉर्म में अकर होता है, इस कहाँ कहाँ होता है? ये पहला है स्किन पर, दूसरा है लंग्स, तीसरा है इंटेस्टाइनल है और एंड इंजेक्शनल। इस प्रकार से ये देखने के इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर, स्किन पर, लंग्स पर, इंटेस्टाइनल और इंजेक्शन के संदर्भ में। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।